हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 8th चैप्टर जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस। ये जो चैप्टर है आपका मैक्सिमम 9 या 10 दिन का है, 9-10 दिन में ये 8th चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो स्मॉल बिजनेस कहते किसे हैं? अब आपने सुना कि भाई ये तो छोटा बिजनेस है, ये बड़ा बिजनेस है, ये मीडियम साइज का बिजनेस है, ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा है। आप किस बेसिस पे उसको छोटा या बड़ा बोल सकते हैं? क्योंकि बिजनेस का कोई ऐसा तो होता है नहीं कि भाई बिल्डिंग इससे 2 फ्लोर की है तो ये छोटा है, अगर 5 फ्लोर की तो वो बड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि भाई बिजनेस का साइज़ क्या है एग्जैक्टली? कौन कौन से फैक्टर ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक्चुअली में अफेक्ट करते हैं उसके साइज़ को डिटरमाइन करने में? तो स्मॉल बिजनेस की वजह से मैं शुरू में आपको बता रहा था कि स्मॉल बिजनेस की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और ऐसा क्यों है इंडिया में होता ही, स्मॉल बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही क्यों है। स्मॉल बिजनेस जो है इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में भी कंट्रीब्यूट करता है और काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया से डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। स्मॉल बिजनेस वो होते हैं जो एक तरह से कुछ पिछले कुछ सालों में ये कुछ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हैं या कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गुड्स भी हैं वो भी बना रहे हैं। तो उसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, काफ़ी अटेंशन पे कर रही है स्मॉल बिजनेस की तरफ में, काफ़ी सब्सिडी वगैरह पे कर रही है इनको, जिससे कि और मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि वो स्मॉल बिजनेस की तरफ और ज़्यादा अग्रसर हों और उसमें बिजनेस करना चाहें, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ और स्पेशल फाइनेंशियल जोन्स में। पहला ऐसे समझना ज़रूरी है कि भाई स्मॉल बिजनेस कहते किसे हैं। अब स्मॉल बिजनेस हमें पता चलता है कि उसका साइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि साइज़ से पता चलता है कि कैसे क्या उसका साइज़ है बिजनेस का। अब साइज़ कैसे पता चलेगा? ये नॉर्मली 4 फैक्टर्स लिए गए हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि पहला पॉइंट है कि हमने कितना उसमें पैसा लगा रखा है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपये लगा रखा है या 2 लाख रुपये लगा रखा है या 1 करोड़ रुपये लगा रखा है तो हमें पता चल पाएगा कि भाई बिजनेस का साइज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा बिजनेस है 500 करोड़ रुपए का बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस है, अगर 1-2 करोड़ रुपए का बिजनेस है तो छोटा बिजनेस है, सिंपल सी चीज़ है। अगला पॉइंट है, इसमें थोड़ा एक करेक्शन है, ठीक कर लेना। एक दो जगह लिख रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक जगह आएगा वैल्यू ऑफ इनपुट, एक जगह आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब है कि जो आपने उसमें पैसा लगा रखा है या जो आपने रॉ मटेरियल लगा रखा है, जो भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है एक तरह से। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन रही है, मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब कि आपने कितना रॉ मटेरियल लगाया, इसमें मशीनरी या फिक्स एसेट नहीं आएंगी, ओनली रॉ मटेरियल या लेबर जो है आपने इनपुट है जो आपका। एक तरह से करंट एसेट वाइज आप चले तो इसमें ये होता है कि जो लेबर है और जो रॉ मटेरियल है तो वो इसमें आती है वैल्यू ऑफ इनपुट में। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है कि आपकी प्रोडक्शन का लेवल कितना है, कि अगर आपकी प्रोडक्शन अगर 200 करोड़ की है तो आपका बिजनेस बड़ा है, अगर वैल्यू प्रोडक्शन कम है तो आपका बिजनेस छोटा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आपका बहुत ज़्यादा है कि लाखों में है, जैसे रिलायंस में है, तो आपको सबको पता है कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर किसी जैसे हमारे स्कूल में है मैक्सिमम 20-25 वर्कर्स हैं, इतने भी शायद ना भी हो उस टाइम, तो छोटा माना जाएगा, बड़ा नहीं माना जाएगा। सेम स्केल पे अब मीनिंग क्या है स्मॉल स्केल बिजनेस का? 1951 में जब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था तो उसके अकॉर्डिंग 50 लाख जिसकी कैपिटल थी, या 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख तक की ही होनी चाहिए, सॉरी 50% उसमें काम करते हैं, 5 लाख तक की कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल एसेट और करंट एसेट मिला के, तो उसे हम बोलते थे स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी, ये आपकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, ऐसे ही याद करनी है कि 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग ये पहले था 5 लाख तक की कैपिटल होनी चाहिए और 50% में काम करते होने चाहिए, तो उसे हम बोलते थे स्मॉल स्मॉल स्केल बिजनेस। लेकिन ये 1951 के बाद में 1959, 60, 66, 75, 80, 90, देन लास्ट में 2006 बार बार अपग्रेड होती रही थी, अपडेट होती रहती है डेफिनेशन। उसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में स्मॉल बिजनेस को बांट दिया गया था। अब तीन कैटेगरीज क्या थी? स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड माइक्रो स्केल। माइक्रो का मतलब आपको पता है कि बहुत छोटा होता है, तो माइक्रो। अब इसमें भी दो तरह के बिजनेस बांट दिए गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस, या सर्विसेज को आप ट्रेडिंग बिजनेस भी बोल सकते हो, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस भी कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो अगर 25 लाख रुपये तक की कैपिटल का बिजनेस है उसे हम माइक्रो बिजनेस कहेंगे, और ट्रेडिंग बिजनेस में 15 लाख रुपये तक का बिजनेस माइक्रो में काउंट किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये तक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
2 करोड़ रुपए का तक का ट्रेडिंग बिजनेस स्मॉल स्केल में आएगा, 15 करोड़ रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और 5 करोड़ रुपए तक का ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस मीडियम बिजनेस में आएगा। तो ये कैटेगरीज भी आपको याद करनी है, वैसे इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसमें आपको खाली ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे साइज़ बड़ा हो रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अभी आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि एक पॉइंट और भी होता है, कहाँ गया वो पॉइंट, इसमें लिखा तो होना चाहिए था। मिसप्लेस नहीं हो गया ये एक पॉइंट, यहाँ पे रह गया था। 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग 50% होने चाहिए कम से कम, और अगर वो पावर कंपनी यूज़ नहीं कर रही है तो, अगर वो पावर यूज़ कर रही है तो मिनिमम 100 लोग होने चाहिए काम करने के लिए और 5 लाख रुपए तक की कैपिटल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पावर का मतलब होता है जो जो मशीन ड्रीवन प्रोडक्ट्स अगर वो बना रही है तो उसे 100 लोग कम से कम काम पर रखने चाहिए, और अगर पावर का यूज़ नहीं कर रही है, तरह मशीनरी का यूज़ नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रही है, तो 50 लोग कम से कम होने चाहिए और 5 लाख रुपए तक की कैपिटल होनी चाहिए, उसे स्मॉल स्केल कहा जाएगा। लेकिन अब तो ये कैटेगरीज बन गई हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आज का, जो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया का मतलब होता है जो इंडिया में गाँव जो हैं, विलेजेस जो हैं। अब सभी को ये पता ही है कि भाई इंडिया का जो लार्ज पार्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है। अब विलेजेस में आपको सभी को पता है कि क्या क्या कमियां होती हैं, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं होती है, या इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा लो होता है, और उसमें रीजनल डेवलपमेंट भी इतनी नहीं होती है। तो उसके लिए स्मॉल बिजनेस जो है क्या कंट्रीब्यूट करता है रूरल इंडिया को डेवलप करने में। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेजेस, तो उस उन एरियाज़ में इन बिजनेस का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि एक तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सके, इन एरियाज़ में डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इन एरियाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्टिसंस। आर्टिसंस क्या मतलब, जो आर्टिस्ट होते हैं गाँव में उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का मतलब कमी होना, काफ़ी रिसोर्सेज की कमी होती है यहाँ पे। तो इशू है काफ़ी ज़्यादा कि इस एरिया को डेवलप करने में काफ़ी स्मॉल स्केल जो है कंट्रीब्यूट करता है अपना। तो दिस क्वेश्चन हैज एन आंसर, द विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इज पॉसिबल। तो अब कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस इन रूरल इंडिया को डेवलप करने में। पहला पॉइंट है मोर एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि स्मॉल स्केल जो बिजनेस है वो पावर ड्रिवन मशीन से यूज़ नहीं करता है, लेबर यूज़ करता है, इंसानों को ही यूज़ करता है। इतना नहीं कि भाई इतनी उनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मशीन्स लगा देंगे या प्रोजेक्ट बड़ा लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है वो। ये जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये या 15 करोड़ रुपये तक का ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो उस केस में बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर जो भी कुछ काम करना होता है इनको, खेती वगैरह कुछ भी करना होता है, मेनली ये लेबर ही रखते हैं। अब जब लेबर रखी जाएगी इन इंडस्ट्रीज़ में तो लेबर चाहिए होगी, तो लेबर चाहिए होगी तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी बड़ा इशू होता है। उस केस में एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कई लोगों को जॉब भी मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फार्मिंग करते हैं पूरे ईयर के लिए, और कुछ लोग करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में काम किया और बाकी पूरा साल खाली रहे, तो उन लोगों को भी एक तरह से जॉब मिल जाएगी और वो फाइनेंशियली साउंड हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल बिजनेस जो है इन रूरल एरियाज़ में दो तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पहला क्या है कि एक तरह से लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करता है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एक गांव है उसमें मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे एक तरह से उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी उस एरिया की, भाई इसमें बिज़नेस शुरू हो रहा है, एक तरह से उसमें एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगी, उसमें जो एरिया रीजनल जो उस रीजन है जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। अब बताता हूँ मैं आपको कैसे। फर्स्ट है इन दीज बिजनेसेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, सो एनी पर्सन कैन गेट रिड ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बाय कमेंसिंग सच बिजनेस। मतलब फाइनेंशियली वो एरिया डेवलपमेंट होने लग जाएगा, और सेकेंडली उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगी, जिससे कि वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और वो भी एक तरह से फाइनेंशियली साउंड हो पाएंगे जिनको जॉब मिल रही है। फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसंस। अब गांव में आपको सभी को पता ही है कि भी कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं हर अलग 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 चीज़ों के, जिसके लिए उनको अपने गांव में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, उनको शहर आना पड़ता है, शहर में काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा होता है, शायद वो पीछे रह जाते हैं या फिर हार मान के चले जाते हैं। आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में कभी सुना होगा मैं तो अपने गाँव जा रहा हूँ, यहाँ को अपना कुछ होने वाला नहीं है, तो वही चीज़ होती है कि गाँव में
आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से जो उनके स्किल्स हैं वो लाइमलाइट में आ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आपको दिख ही रहा होगा कि आज के टाइम में जो भी आर्टिस्ट हैं या जो भी कोई लोग हैं वो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से आ रहे हैं और फेमस हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्ट है वो रियल है, वो आगे आगे कम्पीट करना चाह रहे हैं और वो उससे आगे निकल पा रहे हैं। तो स्मॉल स्केल बिजनेस क्या है कि इन लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो आगे आ सकें, और एक तरह से इम्पीटस प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना टैलेंट शो कर सके और आगे बढ़ सके लाइफ में। तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस भी इन आर्टिस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। फिर नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब रीजन का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया होना, कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि गांव का एक एरिया है, रूरल एरिया है, उसे हम रीजन बोलते हैं। जैसे अर्बन एरिया तो उसको भी रीजन बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड वे में एरिया जो है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही हद तक लोकल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि जो लोकल सोर्सेज है तो उनके उनके जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो दीज बिजनेसेस कैन बी कैरिड ऑन एट एनी प्लेस और इवन इन रिमोट एरियाज। अब रिमोट एरियाज का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं हाईवेज पे हैं, मेन रोड पे होते हैं, या ऐसे कहीं जगह होते हैं, लेकिन ये स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं गलियों में भी हो सकते हैं, किसी ऐसे जगह भी हो सकते हैं जहाँ पे कोई एग्जैक्टली पर्टिकुलर कोई ऐसी लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे इजीली कोई पहुंच सके। तो रिमोट एरिया से मतलब ऐसे होता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ अंदर जाके भी वो एरियाज मिल सकते हैं, तो उन एरियाज के डेवलपमेंट करने के लिए भी स्मॉल स्केल काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है अपने आप को सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस तक मतलब लिमिटेड नहीं रखती है, बल्कि डाइवर्सीफाई करती है। डाइवर्सीफाई वर्ड का मतलब होता है कि अपने आप को एक तरह से चेंज करते रहना, वेरिएशन लाते रहना। ऐसा नहीं कि अगर आपकी बिल्डिंग यहाँ पे है बस ख़त्म काम, या फिर अगर आपने कोई स्कूल का बिजनेस कर रहे हो तो ख़त्म काम। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अगर एक ही, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। अगर मान लो जैसे वैसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का पॉइंट है, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक ही पोर्टफोलियो में एक ही जगह पे आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर अंडर स्कूल भी है, आपके अंडर हॉस्पिटल्स भी है, होटल्स भी है, और भी कुछ है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उससे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि एक ही चीज़ में एक ही इंडस्ट्री, मतलब एक ही कंपनी के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और बिक रहे हैं, या बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही हैं लोगों को। जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन का। सैमसंग एक अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन का, कि एक ही कंपनी के नाम के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कि एक टीवी भी बनता है, मोबाइल भी बनता है, फ्रिज भी बनता है, एसी भी बनता है, तो उसे मतलब डाइवर्सिफाई। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि डाइवर्सिफाई का क्या यहाँ पे क्या मतलब है कि अपने एरिया को लिमिट नहीं रखना कि हमें इसी एरिया में बिजनेस करना है, हम अपने आप को किसी भी एरिया में बिजनेस जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे आप सभी को पता ही है कि गाँव में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है थोड़ा कम ही रहता है, लो ही रहता है, तो इन स्मॉल स्केल बिजनेस होने की वजह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने का, क्योंकि गाँव में सबको पता ही है कि क्या होता है, कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, बिजली पानी सड़कें एजुकेशन बैंक्स वगैरह होते ही नहीं है, कोई ब्रांडेड शॉप्स वगैरह नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो उस वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफ़ी लो रहता है इन विद कंपेरिजन टू द सिटीज़ और टाउन्स। तो उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए जो स्मॉल स्केल बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा ही हद तक कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस है इससे लोगों के माइंड में एक चीज़ क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं वो, और एक तरह से बेटर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हो जाती है, क्योंकि वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी है अब तो स्मॉल स्केल बिजनेस होने की वजह से, और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको पास में ही मिल पा रहे हैं, उनको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब जो उस एरिया के लोकल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका बेटर वे में यूज़ हो पाएगा, क्योंकि इन रूरल एरियाज लेबर आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, लैंड आपको सस्ती मिल जाएगी, रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिल सकता है, जो कि एक तरह से अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था उस एरिया में, क्योंकि उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस आने की वजह से उन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि सभी को पता ही है। अब मैं आपको लेबर सस्ती क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे भी लेबर का तो रेट ये चल रहा है, सस्ती का है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्शन की दो ही टेक्निक्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक। अगर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि मशीन्स वगैरह यूज़ करना, अगर आप मशीन्स यूज़ करेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, और वैसे टाइम भी काफ़ी बच जाएगा, और वो बेस्ट वे वही होता है देखा जाए तो, क्योंकि अमेरिका जो है मशीनरी इंटेंसिव टेक्निक यूज़ फॉलो करता है, और इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है, क्योंकि इंडिया में लेबर ज़्यादा मिल जाती है, सस्ती मिल जाएगी, वहाँ पे मशीन
ज़्यादा मिल जाएगी। तो अगर जब कोई स्मॉल स्केल बिजनेस अपना बिजनेस खड़ा करेगा किसी गांव के एरिया में, किसी लोकल एरिया में, तो वो जो जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, लेबर है, उनको काम मिल जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कुछ भी अगर कुछ लैंड है या जो भी कुछ है, हवा या पानी जो भी कुछ होता है वहाँ का, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मतलब ऐसा वो मिसयूज़ या फिर मतलब कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो वेस्ट जा रही है, भाई वेस्ट नहीं हो पाएगी वो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि आप सभी को पता ही कि गाँव में, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके माइंड में कोई गाँव का नाम लेता हूँ कि भाई गाँव में कुछ काम करना है, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, आपके माइंड में कहीं ना कहीं 1% 1% ही सही खेती का नाम जरूर आएगा, एग्रीकल्चर का नाम जरूर आएगा कि भाई गाँव में क्या होगा, गाँव में तो खेती ही होती है और क्या होता है। आपके माइंड में तो ये इमेज बनी हुई है, सभी के माइंड में ये इमेज बनी हुई है कि गाँव में तो कोई काम बिजनेस होता ही नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ खेती होती है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। गाँव में आपको डोमिनोज नहीं मिलेगा, गाँव में आपको नाइक प्यूमा का शोरूम नहीं मिलेगा, नाइक गाँव में आपको मारुति का या किसी एप्पल का शोरूम नहीं मिलेगा, गांव में आपको बस खेत मिलेंगे या खाली ज़मीन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके माइंड में इमेज भी बनी हुई है और ऐसा है भी। तो स्मॉल स्केल बिजनेस होने की वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है गांव की, वो उसके पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। जो लैंड है काफ़ी छोटे छोटे डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, इस पर लोग खेती करते हैं। और छोटी छोटी ज़मीन पे खेती करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि उस पर किसान क्या उगा लेगा, क्या उगाएगा और क्या उगेगा और क्या उसे मिल पाएगा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एवरी ईयर देर इज़ ए फर्दर इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेट 30 लाख पीपल हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हर साल 30 लाख रुपये, 30 लाख लोग जो हैं बढ़ते जा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो बहुत एक नेसेसिटी बन जाती है इस बर्डन को कम करने की, और वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ स्मॉल स्केल बिजनेस होने की वजह से। अब स्मॉल स्केल बिजनेस का मतलब क्या होता है, अब कुछ चीज़ प्रोडक्शन शुरू करेंगे, कुछ चीज़ कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होगा तो उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो वो धूप में खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कुछ और काम भी कर पाएंगे वो, मतलब खेती बाड़ी भी कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खेती बाड़ी करते हैं, बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उनकी फसल सारी ख़त्म हो जाती है, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है और पूरे साल उनको वेस्ट चला जाता है और उनको कुछ इनकम नहीं होती उनकी, उनको पूरा साल बस खाली एक तरह से गुजारा करके निकालना पड़ता है, उधार लेके निकालना पड़ता है, और वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास उधार लेवा पैसा होता है बाहर जिसको देना भी होता है इंटरेस्ट पे, और उनके पास खुद के पास पैसा होता ही नहीं है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि स्मॉल स्केल बिजनेस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है उसका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं रहता, प्रेशर कम हो जाता है। फिर हमारा आता लास्ट पॉइंट आज का, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब स्मॉल स्केल बिजनेस जो है रूरल एरियाज़ में डेवलप होंगे, एस्टेब्लिश होंगे, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब जो कि इंडियन इकोनॉमी है जो कि फ्यू हैंड्स में है, जो सिटी मतलब शहरों में जो कुछ अमीर लोग हैं उनके हाथों में है, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कुछ रूरल एरियाज़ के, रूरल इंडस्ट्रीज़ में भी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे कि ये गैप कम हो पाएगा। जो एक तरह रिच एंड पुअर का हमारी जो कंट्री में बहुत बड़ा गैप है उसे कवर किया जा पाएगा, और कवर जो गैप है वो कम हो पाएगा। मतलब एक तरह से बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे इंडिया में ये पोजीशन है इस टाइम पे, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। जो रेशियो है उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ रिचनेस और वॉल्यूम ऑफ पुअरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको पूरा करने के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल बिजनेस होता क्या है, वो हम पता लगाएंगे चार फैक्टर से कि उसमें काम करने वाले वर्कर्स कितने हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट आउटपुट कितना है, और वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है। देन हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड माइक्रो लेवल। देन हमने पढ़ा रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया मतलब गाँव के एरियाज पर डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करता है। अब वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है रूरल एरियाज़ के लोगों की, और जो उनके लोकल रिसोर्सेज हैं उस एरिया के, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, लैंड है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, जो कि पहले वेस्ट जा रही थी या मिसयूज़ हो पा रहा था उनका, अब उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, किसी काम के लिए प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे, वो और भी कोई काम कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को, फैमिली के सर्वाइवल में हेल्प मिल जाएगी उसको।
फिर हमारा है लास्ट पॉइंट जिसका नाम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। स्मॉल स्केल बिजनेस होने की वजह से रिचनेस और पुअरनेस के बीच में जो गैप है क्रिएट हो चुका है इंडिया में वो कवर किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो थोड़ी इक्विटेबल हो पाएगी। मतलब कि सिर्फ सिटीज़ या अर्बन इंडस्ट्रियलिस्ट से हट के वो रूरल इंडस्ट्रियलिस्ट में भी थोड़ी डिवाइड हो जाएगी, तो इक्वल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, स्मॉल स्केल बिजनेस, मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस एंड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। इसी से हमारा अच्छा टॉपिक पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज, 3 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके। देन हम पढ़ेंगे स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा 8.1 जो है पूरा हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे 8.2 पे आ जाएंगे परसों। थैंक यू।